अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेसन नंबर 13 स्टार्ट किया था हमने, जो कि एंड है नॉवल का। किस तरह से सारी चीज़ें जो है आपस में मिल रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग टुगेदर, के मॉन्क्स किस तरह से रिलेट करता था ओलिवर से। वो अपनी सारी स्टोरी खुद जो है वो मिस्टर ब्रॉनलो को बताता है, और मिस्टर ब्रॉनलो ने अपने आदमियों के थ्रू मॉन्क्स को ढूँढा। ही फाउंड हिम, और उससे किसी ना किसी तरह उन्होंने उसको डरा कर जो है वो सच निकलवा लिया कि अगर वो ना बताए तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो उसे पता था कि अगर तो पुलिस के हवाले उसे किया गया तो उसको और ज़्यादा सज़ा मिल सकती है। आफ्टर दैट मॉन्क्स ने बताया कि उसके मदर और फादर की शादी के बाद वो लोग खुश नहीं थे, इसलिए दे सेपरेटेड, उनका डाइवोर्स हो गया और मॉन्क्स जो है अपनी मदर के साथ चला गया। उसके बाद वो किसी और मुल्क में शिफ्ट हो गए, मूव कर गए, और आफ्टर दैट मॉन्क्स फादर रिमेंड इन इंग्लैंड। मॉन्क्स के जो फादर थे वो इंग्लैंड में ही रहे। हिज फादर ही बिकेम फ्रेंड्स विद एन ओल्ड सी ऑफिसर नेम्ड फ्लेमिंग। उसके जो वालिद थे मॉन्क्स के, उनके पुराने किसी समंदरी अफसर थे कोई, जिनका नाम फ्लेमिंग था, उनके साथ दोस्ती हो गई। हु हैड टू डॉटर्स, उनकी दो बेटियाँ थी। वन एग्नेस वॉज अ यंग वुमन, वो जवान खातून थी। द अदर रोज वॉज अ लिटल गर्ल, एक और उनकी बेटी थी जो छोटी थी, छोटी बच्ची थी, उसका नाम रोज़ था। लीफोर्ड वॉज स्टिल अ यंग मैन, जो मिस्टर लीफोर्ड थे मॉन्क्स के फादर, वो अभी तक एक जवान आदमी थे, बूढ़े नहीं हुए थे। एंड ही एंड एग्नेस फेल इन लव, उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई। दे बिकेम लवर्स, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। सून शी वॉज गोइंग टू हैव हिज चाइल्ड, और जल्द ही एग्नेस जो है वो ही शी वॉज गोइंग टू बी द मदर ऑफ एडविन्स चाइल्ड, वो एडविन के चाइल्ड की मदर थी, या शी वॉज गोइंग टू हैव हिज चाइल्ड, वो उसका बेबी कैरी कर रही थी। नाउ अब एडविन लीफोर्ड हैड वंस बीन मिस्टर ब्रॉनलोज फ्रेंड, जो एडविन लीफोर्ड थे यानी कि एग्नेस के फादर, वो मिस्टर ब्रॉनलो के दोस्त थे। मिस्टर ब्रॉनलो रिमेम्बर्ड हिम, मिस्टर ब्रॉनलो को वो याद थे। अब किस तरह से जो है मॉन्क्स, यानी कि मॉन्क्स उम्र में ओलिवर से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ओलिवर की पैदाइश बाद में हुई थी, जबकि मॉन्क्स की मदर और उसके फादर की शादी ओलिवर की पैदाइश से बहुत पहले हुई थी, उनके डाइवोर्स के बाद, बहुत अरसे बाद जाकर जब वो सी पर रहने लगे, उनकी दोस्ती हुई, और आफ्टर दैट उनको उनकी बेटी पसंद आई, वो लोग इकट्ठे रहने लगे। तो ओलिवर की जो सारी स्टोरी थी, आफ्टर दैट इट वॉज़ क्रिएटेड। ओलिवर मॉन्क से बहुत छोटा था, और इस तरह से मॉन्क्स और ओलिवर के फादर एक हैं और उनकी मदर्स डिफरेंट। आज के लिए इतना ही। रीड द लेसन, पिछली तमाम तरह एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रीवियस चैप्टर के भेजे गए हैं, चैप्टर नंबर 10 के, 11 और 12 के इंशाल्लाह एक या दो दिन में भेज दिए जाएंगे, डू नॉट वरी। डिक्टेशन प्रिपेयर रखें, जो क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस रखें। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।